गुड आफ्टरनून स्टूडेंट सर, स्वागत है आपको राधा रानी फ्री ट्यूशन में। आपको स्वागत है बेटा। और बहुत लेट हम आपको वीडियो बना के डाल रहे हैं क्योंकि पहले मैथ का हमने बनवा दिए और भी आपको वीडियो जो है यूट्यूब जा चुका है यूट्यूब में, और वर्कशीट लेट पहुंचने की वजह से बेटा आपके पास लेट जा रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा लगेगा, आप कर सकते हो। मानव का वहन के बारे में हम पढ़ेंगे, जय प्रक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हो, कैसे वहन होती है। ओके, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अन्य बहुकोशिकाओं जीवों की भांति, मतलब जो और बहुकोशिका जीव है, जैसे एक एग्जाम्पल मानव है और भी बहुत सारे गाय वगैरह जो है बहुकोशिका उसमें भी है। मानव को भी भोजन, क्या आप खाना नहीं खाते हो, ऑक्सीजन आदि नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हमारे शरीर के लिए भी भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नियमित आपूर्ति चाहिए। जो बीमार पड़ते हैं, देखो अभी कोविड 19 में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चले जाते हैं, ऑक्सीजन बंद हो जाता है, कितना नाक और मुंह बंद कर दो, कितना देर रुक सकते हो, नहीं रुक सकते हो बेटा। ज्यादा कितनी, 1 मिनट 45 सेकंड तक, या ज्यादा 2 मिनट तक, खत्म फिर आदमी। तो इसका मतलब क्या है, सांस के साथ साथ ऑक्सीजन और भोजन तो हमें चाहिए चाहिए। ये कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट नहीं है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और सीधे चालू हो जाता है, बहुत सारे इंजन बहुत है जैसे, ऐसे हमारे शरीर में है। आप गाड़ी में क्या करते हो बेटा, हर 2 महीने 3 महीने में आप सर्विस करते हो, लेकिन हमारा इंजन तो चलता रहता है 60 साल तक, तो उसको क्या सर्विस की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए नियमित रूप से व्यायाम भी करो, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको ऐसे बताया। ये तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी तंत्र, जो संवहन तंत्र है। तो मानव में जो संवहन तंत्र होता है, 3 तरह से इसमें समझाया हुआ है, पूरा दे रखा है, आंसर इसमें मिल जाएगा सारे वर्कशीट में ना। एक हृदय और रुधिर वाहिकाएं और रुधिर वे लसिका हमारे पंप की तरह काम करते हैं। अगर हार्ट बंद हो जाती है, हृदय बंद हो जाती है, तो हम ऐसे भी इनमें से कोई खराब होगा तब भी काम नहीं होता है। धमनी और शिरा, आगे इसके लिए हम डिफरेंस इसमें पढ़ेंगे, इस धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद आपका आ गया रुधिर वे लसिका, जो संवहन का माध्यम होती है। क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर ही क्वेश्चन है, संवहन का माध्यम क्या होती है, न रुधिर, या उसे लसिका भी बोला जाता है। और हार्ट के बारे में चित्र आपको दे रखा है, अगर आपको इसमें साफ नजर नहीं आ रहा है, सपोर्टिंग मटेरियल आपको मिला हुआ है, बुक मिला हुआ है, तो आप देखोगे क्या होता है ना, ये शरीर का ये एक पेशी अंग होता है, ये हमारे जो मुट्ठी के आकार का होता है, जैसे मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी के आकार का ये होती है। और मानव हृदय में 4 कोष्ठ होती है, ये आता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, मानव हृदय में कितनी कोष्ठ होता है, ये दायां अलिंद और निलय, बायां निलय और बायां अलिंद, ये पूरा लिखा हुआ है। उसके ऊपर हल्का फुल्का आप समझाओगे कहाँ से क्या जाता है, नहीं जाता है हृदय, यहाँ से पहला का जो आंसर है, यहाँ से लेकर पूरा चित्र भी आपको बनानी है और नीचे तक आपको ले जाना है। ये सारा है लिखा है कि मानव हृदय का एक स्वच्छ नामक चित्र बनाइए, तो नामक चित्र आप बनाना है और उसके बारे में छोटे छोटे जो चीजें हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। क्लियर हो गया आपको, पूरा ये चित्र लिख के आप नाम उसको लिखना है। नामांक चित्र का मतलब हो गया कि ये आपको इस फिगर आप बनाना है, तो पहला का आंसर ये फिगर बना के उसके चारों तरफ से ये नाम सारे लिखोगे, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा बेटा, ज्यादा आंसर में चाहिए आपको इसीलिए। और आपको सेकंड में देखिए आपको क्या है, सेकंड में दे रखा है धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, एक वितरण होता है, एक संग्रहण होता है, और ऑक्सीजनित जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, ठीक है। और कौन है, धमनी, और जो सिरा है वो फुसफुस सिरा को छोड़कर हर जगह पे क्या करता है, बी ऑक्सीजनित रुधिर को, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजनित रुधिर इसका मतलब जो खून है उसमें जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको ले जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाता है। क्लियर हो गया, ये जो आपका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको इसमें पीछे दे रखा है, धमनी और सिरा में क्या अंतर है, तो बेटा बिल्कुल ये वाला आंसर है। कोशिकाएं, ये दे रखा है कोशिकाएं, ये रुधिर कोशिकाएं का एकल कोशिकीय वृत्ति होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर सिराएं बनाती है जो रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, ये सिराएं क्या काम करती है, ना रुधिर को अंग और उत्तक से दूर ले जाता है, ठीक है। सिराएं का क्या काम है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आ जाए जो रुधिर होती है उसकी अव्यय कौन कौन सी है, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कहीं कहीं लाल रुधिर कणिकाएं RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये सबको वहन करता है, और रुधिर को लाल रंग देता है RB,
और हेमोग्लोबिन आरबी क्या होता है, हेमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्ण के जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, मतलब उसके साथ जो दोस्त है वो आपका एचबी जो हेमोग्लोबिन है। कभी कभी कहती है तुम्हारे एचबी कम है तो थोड़ा खाना फ्रूट फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ, कहते हैं ना वो चीजें। प्लेटलेट डेंगू वगैरह होती है, प्लेट की प्लेटलेट का आवश्यकता होती है, रुधिर का धक्का बनाने में सहायक होती है। अगर ये प्लेटलेट नहीं होगा कहीं कट जाएगा, वो आपका खून बहता रहेगा, प्लेटलेट होती है उसकी। ओके, और WBC ओके, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए सहायक है। अगर तुम्हारे शरीर में WBC कम है तो कभी भी तुम्हारे शरीर में क्या हो जाती है ना, बीमारी आ जाता है। और प्लाज्मा क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। ये होता है पीले रंग का तरल माध्यम होता है जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती है। ये भोजन CO2 और नाइट्रोजोनी वर्ज्य पदार्थ का जो विलीन रूप से बहन करता है, जो जो खराब चीजें हैं हमारे शरीर से निकालना हो वो सब चीजें हैं, या तो जो वर्ज्य पदार्थ होता है उसके लिए भी। और लसिका क्या होता है, ये एक उत्तक तरल पदार्थ है और रुधिर कोशिकाओं से निकलकर ये अंत कोशिकाएं अवकाश में आ जाता है। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह लेकिन रंगीन होता है। तो अब क्वेश्चन आया नीचे कि लसिका क्या है, ये पैराग्राफ यहां से यहां तक आपको लिखनी है। अगर आएगा रुधिर का अव्यय क्या है, दोनों आपको लिखना है, उसके अंदर ये सारे लिखनी है। हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में आएगा वो आपको करनी है। एक नंबरी क्वेश्चन के लिए सामान्य स्वस्थ का हृदय कितने मिनट धड़कता है, 72 बार, और मानव हृदय का चक्र में 70 मिली रुधिर पंप करता है कितनी, ये दोनों चीज एक ही नंबर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखो और उसको समझाओ, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान देना। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर में आते हैं बेटा। देखो पहला जो है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाओ, धमनी और शिरा में अंतर, रुधिर के अव्यय के बारे में, और लसिका क्या है 5वां नंबर। तो आप देखो इसकी आंसर की तरफ हम आते हैं, ठीक है बेटा। और गुड, बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, धन्यवाद। पंकज, शालिनी और योगेश, उन्होंने बोले कि सर ये हिंदी मीडियम भी बना दो, चलिए थैंक यू बेटा। और थैंक यू फॉर योर कमेंट। बेसिकली कौन कौन है बेटा, पंकज, पंकज शालिनी भी है, थैंक यू बेटा फॉर कमेंट। और आपने रिक्वेस्ट किया सर जी आप हिंदी मीडियम भी भेजो, योगेश जी थैंक यू, और आप सभी को धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन देखो बेटा, पहले आप हृदय के बारे में देखिए, हृदय बना पड़ा है, मानव हृदय का कार्ड दृश्य है, बढ़िया सा पेंसिल से बनाना, उसके आसपास ये लिखोगे, ये आपका हो गया। उसके सेकंड वाले धमनी और शिरा में अंतर क्या है वो पूछा गया है आपका। तीसरा जो आंसर है आपका, रुधिर के कौन कौन से अव्यय है उनके बारे में लिखना है, साफ साफ आपको वर्कशीट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर अभी आपको बता दिया जाएगा, अभी फोर भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर फाइव लसिका किसे कहते हैं वो है। तो सारे क्वेश्चन एक बार मैं और दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा आप उसको वीडियो को थोड़ा रोक के आप लिख सकते हो, नहीं तो ये जो बना हुआ है वर्कशीट में आया इतना क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप बुक से भी लिख सकते हो बेटा। सेकंड में आपको साफ दे रखा है धमनी और शिरा में क्या अंतर है, तीसरा आपको दे रखा है कि रुधिर का जो अव्यय है उसके बारे में दे रखा है, ओके। उसके बाद फोर्थ में अभी आपको दिखा देता हूँ, फाइव लसिका क्या होती है, ये उत्तक तरल है, ये भी आपको मिल गया। और क्वेश्चन नंबर फोर में हम आते हैं, जो मैं लिख के आपको